हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट अब होने वाला है 24 लाख करोड़ का, इसलिए हम टीचर्स, एजुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प करेंगे कुछ मज़ेदार वीडियोस के साथ। तो अगर आपका भी है अपने ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने का मिशन, तो हमारे पास है आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज आप बनिए स्टूडेंट और मैं बनता हूँ टीचर, और आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपना ऑनलाइन टीचिंग का सफ़र आसान करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एंड तक बिना स्किप करे, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। मैं आज आपको बताऊंगा ट्राइपॉड्स के बारे में। आखिर ट्राइपॉड होता क्या है, इसे यूज़ करके आपकी वीडियो में क्या फ़र्क आता है, और आपके लिए बेस्ट ट्राइपॉड कौन सा होगा। तो आज मैं काफ़ी सारे ट्राइपॉड्स के बारे में बताने वाला हूं। तो ट्राइपॉड खरीदते वक्त जिन मेन फीचर्स पे हम फोकस करेंगे वो है मटीरियल, कि वो ट्राइपॉड किस मटीरियल का बना है, वेट, कि उस ट्राइपॉड का वजन कितना है, हाइट, कि वो ट्राइपॉड कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लोड कैपेसिटी, कि वो ट्राइपॉड अपने ऊपर कितना वजन झेल सकता है, और सबसे आखिरी में प्राइस, कि वो है कितने का। अब बात करते हैं कि आखिर ट्राइपॉड होता क्या है। सो ट्राइपॉड बेसिकली एक स्टैंड होता है जिसके तीन लेग्स होते हैं। इसके ऊपर हम अपना फ़ोन या फिर कैमरा अटैच करके वीडियोज़ या फिर पिक्चर्स ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि ट्राइपॉड ज़रूरी क्यों है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ट्राइपॉड के ऊपर अपना फ़ोन या कैमरा अटैच करने के बाद जब आप वीडियो लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगी। इसके ऊपर अपना कैमरा अटैच करने के बाद आपको ये टेंशन नहीं रहती है कि आपका कैमरा शेक करेगा, और इसके साथ साथ आपकी पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। आज हम डिस्कस करेंगे दो तरह के ट्राइपॉड्स के बारे में। सबसे पहला है फुल लेंथ ट्राइपॉड। ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, इनमें आपको अच्छी खासी हाइट देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ आप इनके ऊपर बड़े कैमराज भी अटैच कर सकते हैं। दूसरा है मिनी या फिर टेबल टॉप ट्राइपॉड। ये साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं, आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, और लोग ज़्यादातर इनका व्लॉगिंग में यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ अपने सबसे पहले फुल लेंथ ट्राइपॉड के बारे में। फोर्ट्रॉन स्टेडी प्रो 550। अगर इसके मटेरियल की बात करूँ तो ये सॉलिड एल्यूमिनियम से बना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेट की बात करें तो ये है 580 ग्राम्स का, जो कि एक बड़े ट्राइपॉड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लोड कैपेसिटी है 2.5 केजीज, मतलब ये 2.5 किलो तक का वजन झेल सकता है। हाइट है 53 इंचेस, जो कि बहुत अच्छी है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आपको 1 से 2 हज़ार के बीच में आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले ट्राइपॉड की, जो कि है साइवो WT3130। इसकी अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो ये है हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेट की बात करूँ तो ये है 500 ग्राम्स का, जो कि एक बड़े ट्राइपॉड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हाइट की बात करूं तो ये है 16 इंचेस का, लेकिन आप इसे 50 इंच तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर इसकी लोड कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो बहुत बेहतरीन है, जो कि है 5 केजीज, मतलब ये अपने ऊपर 5 किलो तक का वजन झेल सकता है, जो कि बहुत अमेजिंग है। और इसके प्राइस की बात करें तो वैसे तो इसका ओरिजिनल प्राइस 4000 रुपये है, मगर आपको ऑनलाइन ये 750 से 1000 रुपये तक का मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले ट्राइपॉड की, जो कि है ओसाका OS550। इसके अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम से बना होता है। अगर इसके वेट की बात करें तो ये आपको 600 ग्राम तक का मिल जाएगा। अगर हाइट की बात करें तो ये 16 इंचेस का होता है, लेकिन आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं अप टू 55 इंचेस। लोड कैपेसिटी है 2.5 केजीज, मतलब आप इसके ऊपर 2.5 किलो तक का वजन डाल सकते हैं। वैसे तो उसका ओरिजिनल प्राइस है 2000, लेकिन आपको आराम से ये 700 से 1000 रुपए तक का मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने मिनी ट्राइपॉड्स के बारे में। इसके अंदर हमारा सबसे पहला नाम आता है डिजिटेक DTR260GT गोरिल्ला ट्राइपॉड। ये हाई क्वालिटी ABS से बना होता है, जो कि प्लास्टिक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी हाइट की बात करें तो ये आपको मिलेगी 9.5 इंचेस तक की। इसकी वेट की बात करें तो ये आपको मिलेगा 150 ग्राम तक का। इसकी लोड कैपेसिटी है 1 केजी, जो कि बहुत अच्छी है। और इसके अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो वैसे ही 1000 रुपये का है, लेकिन आपको ये ऑनलाइन 400 रुपये तक का मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले मिनी ट्राइपॉड की, जो कि है एडोफाइज फ्लेक्सिबल गोरिल्ला ट्राइपॉड। ये प्रीमियम क्वालिटी ABS से बना होता है। इसकी हाइट है 12 इंचेस, वेट है 380 ग्राम्स, और इसकी लोड कैपेसिटी है 1.5 केजी। इसके अगर प्राइस की बात करूं तो वैसे ये 2700 रुपये का है, लेकिन आपको ऑनलाइन ये 600 रुपये के आसपास मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले मिनी ट्राइपॉड की, जो कि है मैनफ्रोटो MTPIXIB।
इसके अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो ये आपको एल्यूमिनियम का मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अट्रैक्टिव इटालियन डिजाइन देखने को भी मिल जाएगा। इसकी हाइट होगी 5 इंचेस और वेट होगा 190 ग्राम्स। इसकी लोड कैपेसिटी की बात करूं तो इसके हाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, जो कि है 1 kg। अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो ये आपको 1500 से 2700 तक का मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और ट्राइपॉड से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी और आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि आपको कौन सा ट्राइपॉड लेना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।